चार युवा बल्लेबाजों का होगा नया साल। रिंकू सिंह के लिए खुला पूरा आसमान। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये चार बल्लेबाज जो लगाते हैं मैदान पर आग, ये दिलाएंगे भारत को टी20 वर्ल्ड कप। जैसे धोनी ने 2007 में युवा ब्रिगेड के साथ भारत को दिलाया था टी20 का पहला वर्ल्ड कप, अब 2024 में भी कुछ ऐसा नजारा पेश करेंगे हिंदुस्तानी युवा ब्रिगेड। जिन बल्लेबाजों ने IPL में मैच में लाया है तबाही, वही बल्लेबाज 2024 के वर्ल्ड कप में दिखाएंगे अपनी ताकत। साल 2023 में भारत ने कुल 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से 15 जीते तो 7 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। एक मैच ऐसा था जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। 65.22% की विनिंग परसेंटेज के साथ भारतीय टीम अब साल 2024 में एंट्री कर चुकी है। जून में टी20 वर्ल्ड कप होना है, ऐसे में भारतीय टीम कड़वी यादों को भुलाकर 2007 के बाद अपना दूसरा टाइटल जीतना चाहेगी। ये जिम्मेदारी भी उसी तरह यंग ब्रिगेड के कंधों पर होगी जैसे धोनी की कप्तानी में 17 साल पहले कमाल हुआ था। चलिए एक नजर भारत के उन चार जाबाज बल्लेबाज पर डालते हैं जिनका विश्व कप टीम में चुना जाना लगभग तय है। महाराष्ट्र के इस ओपनर को साल 2023 में 10 टी20 मैच खेलने का मौका मिला। 60.83 की जबरदस्त एवरेज के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों IPL में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उन पर इतना भरोसा करते हैं। दूसरे बल्लेबाज रिंकू सिंह, साल 2023 में भारत की सबसे बड़ी खोज रिंकू सिंह रहे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने लोअर ऑर्डर में फिनिशर की भूमिका खूब बखूबी निभाई है। जबरदस्त IPL सेशन के बाद उन्हें भारतीय टीम में एंट्री मिली है। 2022 में उन्होंने भारत की ओर से 12 मैच में 180.68 की स्ट्राइक रेट के साथ 262 रन बनाए। तीसरे नंबर के बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल। मुंबई के एक और ओपनर यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए साल 2023 में 15 मैच में 430 रन बनाए हैं। 159.25 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 430 रन बनाए। चौथे बल्लेबाज तिलक वर्मा। बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा ने इसी साल भारत के लिए डेब्यू किया। 15 मैच में हैदराबाद के इस युवा बैटर ने 34.44 की औसत से 141.55 की स्ट्राइक रेट के साथ 310 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 59.55 रन रहा। वैसे इन चार बल्लेबाजों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करना ना भूलें।